एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नुपुर सिंह ब्लॉग। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हम हैं साक्षी मेन मार्केट में। आज मेरी फ्रेंड को कुछ करनी है शॉपिंग और उसे एक न्यू हेयर कट लेना है, तो आज हम साक्षी मार्केट आए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इस वक्त साक्षी मेन मार्केट में खड़ी हूँ। तो मेरी फ्रेंड मेरे साथ है, आज इसी के साथ शॉपिंग करने आई हूँ मैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरी फ्रेंड रश्मि मेरे साथ है। मतलब रश्मि, बताइए आपको आज क्या करना है। फिलहाल तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी कुछ शॉपिंग कर लूँ, क्योंकि दिवाली भी आने वाली है उस वजह से। और बहुत दिनों से सोच रही थी कि कुछ एक हेयर कट कर लूँ, तो वही सोच रहे चलते हैं, हेयर कट भी हो जाएगा एक नॉर्मल सा। ओके, तो आज रश्मि करवाने वाली है अपने हेयर कट, जो आज इसे इस नया लुक लेना है। तो आज हम लोग देखते हैं कि क्या लुक रश्मि लेने वाली है, तो आइए चलते हैं। तो गाइज, अब हम जा रहे हैं नागरमल। मेरी फ्रेंड को दिवाली के लिए लहंगा परचेज करना था। अब हम सीढ़ियों की मदद से ऊपर जा रहे हैं लहंगा सेक्शन में। कि आप देख सकते हैं, हम ऊपर आ चुके हैं और आप खुद ही देखिए, इनका कलेक्शन काफ़ी प्यारा होता है और काफ़ी अच्छे रेट पे भी होता है। मुझे पर्सनली यहाँ के लहंगे बहुत पसंद आते हैं, जैसा कि आप खुद ही देख सकते हैं। मेरी फ्रेंड को एक लहंगा पसंद आया है, वो उसे परचेज कर चुकी है। वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ी हो जाती इसलिए मैंने वो स्किप कर दिया है। जैसा कि आप जानते ही हैं, फेस्टिव सीज़न चल रहा है, दुर्गा पूजा अभी जस्ट पार हुई है, अब आ रही है दिवाली, छठ पूजा, और साथ ही आप जानते ही हैं ये है लगन का मौसम। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। अब हम आ चुके हैं सेकंड फ्लोर के कैजुअल वेयर सेक्शन में। मैं आपको सेकंड फ्लोर का सारा सेक्शन घूम के दिखाती हूँ कि यहाँ के कैजुअल वेयर कैसे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। मेरी फ्रेंड कुछ कुर्तियाँ देख रही है खुद के लिए, आई होप उसे कुछ पसंद आ जाए, लेकिन लग तो नहीं रहा है कि उसे कुछ पसंद आएगा। उसने कुर्ती चूज़ की है लेकिन उसे कुछ खास पसंद नहीं आई। पसंद आया? नहीं। नागरमल के बैकयार्ड बेसमेंट में आ चुके हैं। मेरी फ्रेंड को एक लहंगा पसंद आ गया है, अब हम उसे स्टिच के लिए और पॉलिश के लिए देने आए हैं टेलर के पास, जो मॉल का ही टेलर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मेरी फ्रेंड जब तक अपने लहंगे को अल्टर करवा रही है, तब तक मैं आपको पूरा बैकयार्ड दिखा देती हूँ, जहाँ पे सारे ड्रेसेस फिटिंग किए जाते हैं। नागरमल में लहंगे काफ़ी अच्छे मिलते हैं, यहाँ पे ड्रेसेस भी काफ़ी अच्छे हैं, आपको पसंद आएगा। अब हमारी लहंगा शॉपिंग तो कंप्लीट हो चुकी है, और जैसा कि आप जानते ही हैं, मेरी फ्रेंड को हेयर कट करवाना है, तब हम जा रहे हैं पार्लर की ओर, तो आइए चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम साक्षी पेट्रोल पंप से होते हुए भोला महाराज वाले लाइन में जा रहे हैं, हमें वहाँ ही पार्लर में जाना है। शाम हो चुकी है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा काम जल्दी हो जाए, उसके बाद हमें मार्केट में और कुछ शॉपिंग करनी है। तो फाइनली हम आ चुके हैं पार्लर। ये पार्लर भोला महाराज रेस्टोरेंट के ठीक सामने वाले रोड पे है, ये डीसी लॉज पार्लर है। जमशेदपुर में काफ़ी जगह इनके ब्रांच आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे, लेकिन मुझे पर्सनली मुझे और मेरी फ्रेंड को यहाँ का हेयर कट काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। यहाँ में जो हेयर कट जो करती हैं वो काफ़ी अच्छा हेयर कट करती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है साक्षी का डीसी लॉज। मेरी फ्रेंड को हेयर कट लेना था, तो मैं आ चुकी हूँ साक्षी के डीसी लॉज में, और अभी मैं आपको ले चलती हूँ पार्लर के अंदर और दिखाती हूँ कि वो हेयर कट कौन सा हेयर कट कराने वाली है। अब मैं एंटर कर रही हूँ पार्लर के अंदर। आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा साफ सुथरा और काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके रखा है इन्होंने। यहाँ के स्टाफ काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छे तरीके से मतलब सब कुछ हैंडल करते हैं। फाइनली मेरी फ्रेंड का हेयर कट हो चुका है कंप्लीट। आप देख सकते हैं, लेयर हेयर कट मेरी फ्रेंड ने करवाया है, जो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रहा था।
गाइस, जैसा कि आपने देख लिया है हमारा हेयर कट हो चुका है। अब हम जा रहे हैं मार्केट के अंदर, कुछ देख लेते हैं, कुछ पसंद आए तो लूँगी, नहीं पसंद आए तो नहीं लूँगी। चलते हैं मार्केट के अंदर और देखते हैं क्या मिलता है हमें अंदर। मार्केट के बीचों बीच आ चुकी हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, सीरी लेदर से होते हुए मैं चूड़ी मार्केट की ओर जा रही हूँ। जैसा कि मैंने बताया, मेरी फ्रेंड ने एक लहंगा परचेस किया है, तो हम उस पर अब कुछ ज्वेलरी देखने जा रहे हैं चूड़ी मार्केट की ओर। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, अब आ रहा है लगन का सीज़न, तो आप देख ही सकते हो मार्केट में कितनी ज़्यादा भीड़ है। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हम हैं नियर ग्रीस चनाचूर के सामने। एक शॉप है जिसका नाम है माँ चूड़ी घर। अब हम वहाँ पहुँच चुके हैं, इनका कलेक्शन काफ़ी अच्छा होता है, तो आइए देखते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं, मैं कितनी प्रिटी लग रही हूँ। मैं बिना रेडी हुए ही इतनी प्रिटी लग रही हूँ बस इनकी ज्वेलरी से। तो आप यहाँ आएं और ये ज्वेलरी ज़रूर परचेस करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, रश्मि अब मेरी फ्रेंड यहाँ से ज्वेलरी ले रहे हैं। सारा सेट मैंने पहना हुआ है और अब आगे आपको भैया बताएंगे कि आपको कहाँ आना है ये सेट लेने के लिए, बताइए जी। ये मार्केट में शॉप है मेरा माँ चूड़ी घर, तीन ब्रांच है इसका, एक ये है इसके पीछे है और बीच में है। तो यहाँ पर क्या है, कलेक्शन आपको हर तरह से मिलेगा, हल्का में मिलेगा, हेवी में मिलेगा, नॉर्मल में, हर रेंज है। जैसे कि ये गले का सेट है, इस पैटिंग में स्टार्टिंग है, हेवी सेट है, मतलब ये हो गया आपका 2500, 2500, 3000, अलग अलग रेट का। तो इसी तरह ये मार्केट में शॉप है माँ चूड़ी घर के नाम पे, और ये आता है एरिया नियर मार्केट के अंदर, यहाँ पे आके परचेस कर सकते हैं। और यहाँ का प्राइस काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे कलेक्शन काफ़ी अच्छा है। और आप यहाँ से आकर के, जमशेदपुर के हैं आप, तो यहाँ से आकर के आप इजीली यहाँ से ले सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आसिफ सिद्दीकी ने बहुत अच्छा सा एक ब्राइडल सेट मुझे वेयर कराया है और इनकी रेट भी काफ़ी अच्छी है, अफोर्डेबल है। तो ज़रूर साक्षी आएँ तो आप यहाँ से ज़रूर ब्राइडल सेट परचेस करें। यहाँ आपको हर रेंज पे अच्छे अच्छे ब्राइडल सेट मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये ब्राइडल सेट पसंद आया